वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टिप्स, कैसे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन को आसान से आप सॉल्व करेंगे। हेयर इज एन एग्जाम्पल। रीड द क्वेश्चन टू टाइम एट लीस्ट। हेयर इज 31st March 2017। दिस इज द प्रीवियस ईयर, दिस इज द करेंट ईयर। ये ध्यान में आपको रखना है। बच्चे यहाँ पर ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इसको प्रीवियस समझ लेते हैं, इसको करंट समझते हैं। क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि यहाँ कौन सा डेट मेंशन है। क्वेश्चन पर आप लिख भी सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें, यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको प्रीवियस और यहाँ पर लिख दीजिए करंट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ जो दो डेट दिया हुआ रहता है, क्लियर डेट को देख करके आप यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर लिख दीजिए करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। इक्विटी शेयर कैपिटल 12% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, बैंक ओवर। अभी क्या है इसको अभी नहीं देखना है, सिर्फ पढ़ते जाइए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 18 एक्स लिमिटेड इशू बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर वन है, दिस इज फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर आप वन लिख दीजिए। नेक्स्ट, 12% डिबेंचर वेयर रिडीम ऑन 1st July 2017। यहाँ पर एक डेट दिया हुआ है 12% डिबेंचर का, तो ये जो 12% डिबेंचर का है वो है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर टू, और आप रिडेम्पशन कर रहे हैं 1st July को। दैट मीन्स अप्रैल मई जून, ओनली 3 months। ये जो डिबेंचर है आपका, जो सेशन स्टार्ट होता है उसके ठीक 3 month के बाद इसको आप क्या कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं, लौटा देते हैं 3 months। एंड न्यू 10% डिबेंचर वेयर इशूड ऑन द सेम डेट एट द डिस्काउंट ऑफ 5%। यहाँ पर देखिए, ये 10% डिबेंचर आप सेम डेट, ये भी आपका वर्किंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर दो से रिलेट करता है, और ये आपके पास कितने दिनों तक रहता है, 9 months। नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर प्रीवियस ईयर इंडेड 31st March वॉज पेड 8%। ये जो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर थ्री है, ये भी रिलेट किससे करता है, इक्विटी शेयर से, इसलिए वहाँ पर लिख दिए हम 3 number। इंटरेस्ट ऑन पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, ये किससे रिलेट करता है आपका, नंबर 4 से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 4 से। नाउ क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल का लिखा हुआ है 1। अब हम 1 को पढ़ेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल से हम देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 एक्स लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय कैपिटलाइजिंग रियर। कंपनी के द्वारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू किया जाता है। दैट मीन्स जिसके पास पहले से ही क्या है, शेयर है, जो मेरे कंपनी का शेयर होल्डर है,
कंपनी उसको बोनस शेयर इशू करती है। इसके लिए कंपनी शेयर होल्डर से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेती है, शेयर फ्री में इशू करती है, शेयर फ्री में इशू करती है। इसलिए यहाँ पर ना तो कैश का इनफ्लो होता है और ना ही आउटफ्लो होता है। इसलिए बोनस शेयर रिलेटेड या जब भी हम बोनस शेयर इशू करेंगे तो उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में 20 लाख है और करंट ईयर में 30 लाख है, यहाँ पर जो 10,000 यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 10 लाख शेयर इशू हुआ है, ये कौन सा है? बोनस शेयर इशू हुआ है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डिफरेंस अमाउंट प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, ये क्या है? 10 लाख बोनस शेयर इशू किया है। और जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू किया जाता है तो शेयर होल्डर से किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री में उसको शेयर इशू किया जाता है। यहाँ पर कैश का इनफ्लो नहीं होता है, इसलिए बोनस शेयर की एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम नहीं दिखाते हैं। ये 10 लाख की एंट्री हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे। ये मेरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ रिलेट कर रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3। 3 में क्या है? प्रपोज डिविडेंड। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर करंट ईयर, करंट ईयर का हम नेक्स्ट ईयर में एंट्री करते हैं। तो जब भी प्रपोज डिविडेंड की बात हो तो प्रीवियस ईयर का हम ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर का याद कीजिएगा। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। वर्किंग नोट, प्रपोज डिविडेंड 8%, दैट मीन्स 8/100 इंटू 20 लाख, दैट मीन्स इट्स बिकम व्हाट? 1,60,000। प्रपोज डिविडेंड इज 1,60,000। ये मेरा 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ अब हम इसकी बात करेंगे 12% डिबेंचर की। प्रीवियस ईयर में 3 लाख था, यहाँ पर 0 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? रेडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। पहले मेरा 3 लाख था, करंट ईयर में उसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? रेडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर। एंड सेकेंड इज, टू नंबर इज, ये जो रेडेम्पशन हो रहा है आफ्टर 3 मंथ हो रहा है। तो अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर। यहां पर देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर, 12/100, 12% डिबेंचर, दैट मींस 12/100 इनिशियल वैल्यू इज 3 लाख। और कितने समय तक मेरे पास रहा नए सेशन में? अप्रैल मई जून, दैट मीन्स 3/12। सो इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर इज 9,000। कंप्लीट हो गया मेरा। नेक्स्ट है 10% डिबेंचर, पहले 0 था, अभी ये 5 लाख हो गया। देन क्या हो गया? इशू ऑफ 10% डिबेंचर 5 लाख। ये जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं ऑन डिस्काउंट, हाउ मच डिस्काउंट? 5%। हेयर इज डिस्काउंट ऑन 10% डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन 10% डिबेंचर 5/100 इंटू 5 लाख, 25,000। देन प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज 5 लाख माइनस 25,000 इज इक्वल्स टू 4,75,000। देर इज ऑल्सो 10%
इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर। इस सेशन में ये हमारे पास कितने दिन तक रहा, 9 मंथ। पूरे साल में 3 मंथ हमने यूज किया 12% डिबेंचर के साथ और 10% के साथ 9 मंथ। सो इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज 10/100, अमाउंट इज 5 लाख एंड टाइम 9/12। सो इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर पेड इज 37,500। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। हेयर इज इनिशियल वैल्यू इज 1 लाख, करंट वैल्यू इज, दैट मीन्स हेयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, माइनस में होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन 4, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, देन वी विल राइट ऑन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, माइनस में होगा। ऑल्सो इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस में होगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018, हियर इज करेंट ईयर इज 2018, सो वी विल पुट द डेट ऑफ करेंट ईयर्स। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी हेयर इशूड बोनस शेयर ऑफ ₹10 lakhs, सो देयर इज नो एंट्री इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोनस शेयर में किसी तरह का कैश का इनफ्लो नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट इज 12% डिबेंचर, प्रीवियस वैल्यू इज 3 लाख, करंट वैल्यू इज 0, दैट मीन्स हेयर इज रेडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर, रेडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर 3 लाख। नेक्स्ट 10% डिबेंचर, प्रीवियस ईयर में 0 था, करंट में 5 लाख, दैट मीन्स इशू प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिबेंचर 5 लाख एंड देयर इज डिस्काउंट ऑफ 5%, सो डिस्काउंट अमाउंट इज 25,000, सो द अमाउंट ऑन इशू प्राइस इज 4,75,000। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, इनिशियल वैल्यू इज 1 लाख एंड फाइनल वैल्यू इज ₹80,000, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर पेड 9 लाख, आई हैव मेंशन इन वर्किंग नोट ऑलरेडी। 10% डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर पेड 37,500। हियर इज इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। प्रपोज डिविडेंड इन वर्किंग नोट 1,60,000। प्रपोज डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर इज 1,60,000। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जहां पर पेड की बात है, कैश आउटफ्लो की बात है, वो आपका माइनस में होगा और जहां पर कैश इनफ्लो होगा वो प्लस में होगा। यहां सिर्फ एक ही है इनफ्लो, वो है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिबेंचर 4,75,000। रफ में जितने भी माइनस आइटम है सबको एक साथ प्लस करेंगे और जो प्लस में है उससे उसको माइनस करेंगे। अगर प्लस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो अमाउंट प्लस में लिखेंगे, माइनस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो अमाउंट को माइनस में लिखेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में माइनस का अमाउंट ज़्यादा था और दोनों को सॉल्व करने के बाद 61,500 और माइनस का वैल्यू ज़्यादा था इसलिए ये माइनस में आ गया। तो जब टोटलिंग माइनस में आए तो हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
और ये जो अमाउंट है उसको हम लोग यहाँ पर बाहर वाले कॉलम अमाउंट वाले कॉलम में रख देंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।